दोस्तों यदि आप भी संजू सैमसन को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों संजू ने मचाई तबाही तो बटलर ने किया विस्फोट। जी हां, राजस्थान और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबले का हाल कुछ ऐसा ही रहा। आखिर किस तरीके से इन दोनों ही बल्लेबाजों के आगे नाइट राइडर्स के गेंदबाज पानी मांगते हुए नजर आए, उसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और जॉश बटलर में कौन है खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज टाटा आईपीएल का 30वां मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने राजस्थान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा, और शायद अय्यर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बटलर और संजू सैमसन उनके गेंदबाजों का क्या हश्र करने वाले हैं। और आपको बता दें कि शुरुआत के पहले कुछ ओवरों में तो जॉश बटलर थोड़े शांत नजर आए, लेकिन इसके बाद अचानक से उन्होंने अपनी पारी को एक दो नहीं बल्कि सीधे 8वें गियर में डाल दिया। जब उमेश यादव बटलर का विकेट लेने के लिए गेंदबाजी करने के लिए आए, तब उनको विकेट तो नहीं मिला, लेकिन जॉश द बॉस ने उनकी गेंद को तारामंडल में पहुंचाते हुए 100 मीटर का लंबा छक्का लगा दिया, और यहां से शुरुआत हो चुकी थी कोलकाता के गेंदबाजों की तबाही की। जी हां, ओपनिंग करने के लिए दो बल्लेबाज आए, जो थे जॉश बटलर और दूसरे थे देवेंद्र पडिक्कल, लेकिन नजर केवल जॉश द बॉस ही आ रहे थे, क्योंकि दूसरे छोर पर पडिक्कल केवल उनका साथ निभाने के लिए क्रीज पर उतरे हुए थे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोस्तों 10वें ओवर के बाद देवेंद्र पडिक्कल कल अपनी रन गति को बढ़ाने के चक्कर में आउट हो गए, और फिर मैदान पर एंट्री होती है राजस्थान की टीम के सेनापति की, और अब वो कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों की खैर नहीं थी, क्योंकि अभी तक तो जॉश बटलर अकेले ही श्रेयस अय्यर के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ रहे थे, पर अब नाइट राइडर्स के नाइटमेयर बंद कर संजू सैमसन भी आतंक मचाने के लिए आ चुके थे। आपको बता दें कि 53 गेंदों में 88 रन ठोकते हुए बटलर ऑरेंज कैप की रेस में बहुत आगे निकल चुके हैं। उन्होंने अपनी पारी में 8 बार गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया और 4 बार दर्शक दीर्घा में और एक अगेन तो स्टेडियम के बाहर भी फेंक दिया। और दूसरी तरफ संजू सैमसन भी एक बेहद ही खूबसूरत विस्फोटक मूड में नजर आ रहे थे, और उन्होंने भी 11 गेंदों में 21 रन बनाते हुए अभी भी नाइट राइडर्स के गेंदबाजों की बकिया उधेड़ने, उन्होंने 2 बार गेंद को चौके के लिए भेजा तो एक गेंद को आसमान के लिए तारामंडल के पास में भेज दिया। और जी हाँ, इन दोनों की भयानक बल्लेबाजी के आगे श्रेयस अय्यर बेबस नजर आ रहे थे। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस साल के आईपीएल में कौन सा बल्लेबाज ऑरेंज कैप हासिल करेगा, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।